कैसे हो आप सभी लोग, मैं हूँ एक डेडपूल। और काइजर, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ ये खतरनाक सी डेडपूल फैमिली। ये लोग सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। डेडपूल फैमिली, प्लीज मुझे अपने साथ ले लो, मुझे भी डेडपूल बनना है। क्या तुम्हें डेडपूल बनना है? तुम तो कहीं से भी डेडपूल नहीं लगते। अरे मैं डेडपूल ही तो हूँ, देखो मेरे पास एक खतरनाक तलवार लड़ने के लिए, और मेरी बॉडी तो आप देख ही सकते हो कितनी ज्यादा बढ़िया है। ए छी, ये क्या बॉडी है? हम ऐसे किसी को भी डेडपूल फैमिली में लेने लेते। अगर तुम्हें डेडपूल फैमिली ज्वाइन करनी है तो तुम्हें एक खतरनाक सा डेडपूल बनना पड़ेगा। अरे मैं खतरनाक सा डेडपूल बनना चाहता हूँ, तभी तो आपकी फैमिली ज्वाइन कर रहा हूँ। प्लीज मुझे डेडपूल बना दो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें खुद जाके एक खतरनाक डेडपूल बनना पड़ेगा। तुम सच्चा तो हमारा बेबी डेडपूल है, ये तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। ताकतवर? मुझे नहीं लगता, ये तो एक बच्चा है। बेबी डेडपूल, दिखा दो कमाल। अरे कौन सा कमाल दिखाएगा, मुझे नहीं लगता ये कुछ कर सकता है। ये क्या, इसने तो पूरी गाड़ी को उठा लिया। ये डेडपूल बेबी तो सही में बहुत ही खतरनाक है, कितना ज्यादा दूर गाड़ी को इसने फेंक दिया। अब समझे तुम डेडपूल कितने खतरनाक होते। अब जाओ, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा ठीक है, मैं चाहता हूँ। इन्होंने तो मुझे अपनी फैमिली में लेने से मना कर दिया है, अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे कैसे भी करके डेडपूल फैमिली में जाना है ताकि मैं एक खतरनाक सा डेडपूल बन सकूँ। बच्चे मेरी बात सुनो, तुम मुझे बहुत ही परेशान लग रहे हो। है? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पर लोग डिटेक्टिव डेडपूल के नाम से जानते हैं, और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ डेडपूल फैमिली में ज्वाइन होने से। क्या, कैसे? प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दो। डेडपूल फैमिली में अगर तुम्हें ज्वाइन होना है तो तुम्हें एक पावरफुल डेडपूल बनना पड़ेगा। अरे तो बना दो ना। अगर तुम्हें एक पावरफुल डेडपूल बनना है तो तुम्हें चाहिए होगी ये डेडपूल आइसक्रीम। क्या, डेडपूल आइसक्रीम? ये तो कितनी खतरनाक है। इस आइसक्रीम में डेडपूल की शक्तियाँ, और इसको खाने के बाद तुम अपग्रेड हो सकते हो डेडपूल में, क्योंकि अभी तो तुम एक नंगे इंसान हो। अच्छा ठीक है, मैं इसको खाके फटाफट से डेडपूल की फैमिली ज्वाइन कर लेता हूँ। और अब अच्छा ऐसा नहीं होता, एक आइसक्रीम कोन खाने से तुम अपग्रेड नहीं हो पाओगे। क्या, तो फिर कितने खाने पड़ेंगे? कम से कम 5। अच्छा ठीक है, एक तो खाने दो, फिर 5 का बाद में देखेंगे। एक सेकंड बच्चे, तुम्हारा तो मुंह ही नहीं है, तुम आइसक्रीम कैसे खाओगे? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे बताए क्या करना है, जो भी ये वीडियो देख रहा है उनको कमेंट करना पड़ेगा ईट द आइसक्रीम, उसके बाद ये आइसक्रीम तुम्हारी नाक के अंदर से अंदर चली जाएगी। क्या, सही में? हाँ लड़के। तो काइजर, आप सबने सुन लिया, अगर मैंने ये आइसक्रीम खा ली तो मैं एक खतरनाक सा डेडपूल बनने वाला हूँ, पर मेरा मुंह नहीं है, इसलिए आप सभी को कमेंट करना पड़ेगा ईट द आइसक्रीम। जल्दी जल्दी कमेंट करो ईट द आइसक्रीम, ताकि मैं इसको अपनी नाक से खा लूं। आपको क्या लगता है, सबने कमेंट कर दिया होगा? सब लोग कमेंट कर रहे हैं, और जिन्होंने कमेंट कर दिया है वो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। हाँ काइजर, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और हम इस आइसक्रीम को खाने की कोशिश करते हैं। काइजर, आप देख सकते हो इस आइसक्रीम को खाने के बाद तो मैं एक बढ़िया सा डेडपूल यहाँ पर बन चुका हूँ। पहले से मैं कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा हूँ। रुक जाओ, अभी डेडपूल फैमिली के पास जाते हैं। डेडपूल फैमिली, ये देखो मैं एक खतरनाक सा डेडपूल बन चुका हूँ, आप फटाफट से मुझे अपनी फैमिली में ले लो। अरे बच्चे, तुम पागल हो गए क्या? इतने कमजोर डेडपूल को हम अपनी फैमिली में नहीं लेंगे। पहले जाकर एक अच्छा तगड़ा डेडपूल बनकर दिखाओ, फिर हम तुम्हें फैमिली में ले लेंगे। और तगड़ा? इससे तगड़ा क्या होता है? अरे डिटेक्टिव चाचा, वो तो अभी मना कर रहे हैं। अरे बच्चे, मैंने तुमको बोला ही था एक आइसक्रीम कोन से तुम तगड़े डेडपूल नहीं बन सकते, तुम्हें 5 आइसक्रीम कोन खाने पड़ेंगे, और उसके लिए खतरनाक चैलेंजेस करने पड़ेंगे। क्या तुम तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं कोई भी चैलेंज कर लूंगा उस डेडपूल फैमिली में जाने के लिए। तो काइजर, अभी आप देख सकते हो मैं एक सिंपल सा डेडपूल यहाँ पर बन चुका हूँ, पर सिंपल से काम नहीं चलेगा, हमें दुनिया का सबसे खतरनाक डेडपूल बनना है अगर हमें डेडपूल फैमिली में जाना है। तो चलो फटाफट से चलते हैं, अपग्रेड होते हैं उस आइसक्रीम कोन को ढूंढ के एक खतरनाक से डेडपूल में। लेट्स गो। तुम लोगों का स्वागत है डिटेक्टिव डेडपूल के चैलेंज में। मुझे बताएं, तुम दोनों को चाहिए ये डेडपूल आइसक्रीम? क्यों? हाँ, मुझे
चाहिए, मुझे चाहिए। ओए मुझे भी चाहिए। तुम दोनों में से किसी एक को ही आइसक्रीम मिलेगी और चैलेंज ये है, तुम्हें इस लावा वाली लेक के ऊपर भागना पड़ेगा बिना लावा में जाए। क्या बिना लावा में जाए? मतलब लावा के ऊपर भागे? हाँ, लावा के ऊपर भागना पड़ेगा। और तुम दोनों में से जो भी नहीं चलेगा और इस पूरी लेक को कंप्लीट करेगा भागकर, उसको मिलेगा ये आइसक्रीम कोन। अरे ये कैसे करेंगे? मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि अभी के अभी करो, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ प्रैक्टिस करने का। पहले जाकर तुम पानी के ऊपर भागो, प्रैक्टिस करो, फिर थोड़े लावा पर, फिर तुम आओगे इस खतरनाक से चैलेंज के लिए। समझ गए? ओए मैं तो समझ गया। हाँ ठीक है ठीक है, मैं भी समझ गया, तो जाओ। तो कैसर, अभी आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं प्रैक्टिस करने इस पानी के ऊपर। वैसे तो हमें लावा के ऊपर भागना है, पर अभी लावा के ऊपर भागा और मैं सीधा जल गया था, मेरा क्या होगा? तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पानी के ऊपर। तो फटाफट से फुल स्पीड में भाग के पानी की उस तरफ जाते। 3, 2, 1 भागो। अरे ये क्या, मैं तो पानी के अंदर ही चला गया। अगर ऐसा हुआ मेरे साथ तो मैं तो लावा में जाके पूरा जल जाऊंगा। मुझे और तेज भागने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। काश ये एक जंप वाला चैलेंज होता तो मैं आराम से जंप करके दूसरी नदी पर पहुंच जाता, पर ये भागने का चैलेंज है। रुक जाओ, वापस ट्राई करते। 3, 2, 1 ओके, इस बार थोड़ा फास्ट था। अगर मैं ऐसे प्रैक्टिस करता रहूं, ऐसे जंप करूंगा और ये बहुत ही बढ़िया कहां पहुंचा दिया मुझे। तो गाइस धीरे धीरे मैं सीखता जा रहा हूं कैसे करना। ये देखो कितना जल्दी इस बार में आ गया। अभी वापस यहाँ पे जंप करेंगे और ये नहीं कर पाया। छोटा सा जंप और ये बहुत ही बढ़िया। भागो, वापस भागो। मुझे लगता है मैं तैयार हूँ लावा की प्रैक्टिस करने के लिए। तो गाइस अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हम आ चुके लावा स्विमिंग पूल के पास और बाकी की प्रैक्टिस मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। पानी के ऊपर तो प्रैक्टिस हमने कर ली, अब इस लावा पूल के ऊपर भाग कर देखते। 3, 2, 1 भागो। और कैसर ये क्या, भाग लिया। अरे ये क्या हो गया, भागो बार। मैंने आधा पूल तो कवर कर लिया था, इसका मतलब मैं प्रैक्टिस करता रहूं तो मैं इसको आराम से कंप्लीट कर दूंगा। और ये देखो फिर से भाग गया मैं। लावा पूल के ऊपर करना थोड़ा इजी था क्योंकि वो बहुत छोटा पूल था, पर कैसर अभी हमें छोटी लेक पर आ चुके हैं जो कि पूल से बहुत ही ज्यादा बड़ी है और इस पर भी हम ट्राई करने वाले हैं बिना लावा में गिरे भागने का। लेट्स गो। ये देखो मैं भागता जा रहा हूं, पूरी लेक को मैं कंप्लीट कर करूंगा। और ये क्या हो गया यार, मैं फिर से गिर गया। वो तो अच्छा है मेरा सूट या लावा प्रूफ है, ये मुझे बचा रहा है। पर गाइसर वो बड़ी वाली लेक हमें नहीं छोड़ने वाली, उधर का लावा बहुत खतरनाक है। अभी मुझे यहाँ पर थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ताकि मैं उस बड़ी वाली लेक पर भी जीत सकूं। तो गाइसर मुझे लगता है मैंने प्रैक्टिस तो बहुत कर ली है, बस आपके लाइक और सब्सक्राइब की जरूरत है। तो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो गुड लक डेडपूल, ताकि गाइसर मैं ये खतरनाक सा चैलेंज जीत सकूं और उस लावा लेक पर भाग सकूं। आओ आओ, तुम दोनों ने प्रैक्टिस कर ली है, क्या तुम तैयार हो इस आइसक्रीम कोन को जीतने के लिए? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं भी तैयार हूँ। और सबसे पहले मैं ही जाने वाला हूँ इस खतरनाक से चैलेंज को करने। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तुम्हें इस लेक को खत्म करना पड़ेगा बिना डूबे लावा के अंदर। और तुम टेंशन मत लो, मैं कंप्लीट कर दूंगा। 3, 2, 1 ओए गो। और तुम देख सकते हो मैं इस लावा लेक पर निकल चुका हूँ, बहुत तेज भागूंगा। और गाइस अभी आप देख सकते हो ये अंकल यहाँ पर निकल चुके लावा के ऊपर फुल स्पीड में भागते हुए जा रहे हैं और ये तो लावा में गिर नहीं रहे। अगर ऐसा चलता रहा तो ये पूरी लेक को खत्म कर देगा और ये लावा मेरा कुछ नहीं कर सकता। हा हा हा। ओए ये क्या हो रहा है, मेरे ऊपर तो आग लग रही है। ओए मुझे और तेज भागना पड़ेगा, भागो। अरे गाइस सामने फिनिशिंग लाइन दिखने लग चुकी है। ओए मेरे ऊपर तो आग लग रही है बहुत तेज। ओए मैं और नहीं भाग सकता। ओए मेरे ऊपर तो बहुत तेज आग लग रही है। बच्चे जैसा कि तुम देख सकते हो ये तो यहाँ पर पूरा का पूरा जल चुका है और ये देखो कैसे मर रहा है। अरे हमें इसे बचाना चाहिए। नहीं बच्चे, ये लावा की आग है, हम इसे नहीं बचा सकते। अब तुम्हारी बारी आ चुकी है, क्या तुम करना चाहते हो? करना तो नहीं चाहता, पर कैसे मुझे कैसे भी करके ये आइसक्रीम कोन खाना है, तो मुझे इसको करके जीतना ही पड़ेगा। पर ये देखो कैसे अभी भी चले जा रहा है, इसको बचा भी नहीं सकता। एक काम कर सकता हूँ, ये तड़प तड़प के मरे, उससे अच्छा तो मैं इसको मार देता हूँ। कितनी जल्दी इसको मैंने खत्म कर दिया, वरना ये हमेशा जलता ही रहता। बच्चे तैयार हो जाओ, 3, 2, 1 गो। भागो भागो भागो।
मांगो। अरे बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। अरे गैजर, ये लावा सही में बहुत ही ज्यादा गर्म है। वो स्विमिंग पूल और छोटी लेक वाला लावा तो बहुत ही ठंडा था इसके सामने, पर ये बहुत ज्यादा गर्म है। मुझे कैसे भी करके फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। तो अगर आपने अभी तक कमेंट में गुड लक डेडपूल नहीं लिखा तो जल्दी जल्दी लिख लो, वरना मैं भी इधर ही जल के राख हो जाऊंगा। जल्दी जल्दी कर दो, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। भागो 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 भागो। और गाइस अब आप देख सकते हो मैं पहुंचने वाला हूं सामने अपने फिनिशिंग लाइन पे। हमने कितना ज्यादा पीछे से शुरू किया था और ये लेक यहां पर खत्म होने वाली है। बस हमें नीचे नहीं गिरना, आराम से जाते रहेंगे सामने फिनिशिंग लाइन आ चुकी है। भागो। और गाइस आप देख सकते हो मैं इस फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया और मैंने ये पूरा का पूरा चैलेंज कंप्लीट कर दिया अंकल। ये लो, इसका मतलब वो खतरनाक सी आइसक्रीम मुझे मिलने वाली है। और गाइस अब स्पीड आप देख सकते हो मेरी कितनी ज्यादा स्पीड बढ़ चुकी है और ये मैं इधर पहुंच भी गया। बहुत बढ़िया बच्चे, तुम एक खतरनाक डेडपूल जरूर बनोगे। अभी फिलहाल इस आइसक्रीम को खा लो। तो गाइसर अभी मेरा मुंह भी आ चुका है तो अब इसको नाक से खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट से इसको खा लेते हैं। अरे मैं इतना फास्ट हो चुका हूं उसके पास भी जा पा रहा। फटाफट से खा लेते हैं। और गाइसर अभी आप देख सकते हो मैं बन चुका हूं एक डेडपूल पुलिस वाला। ये तो मैंने पहली बार देखा है। बच्चे अगर ऐसा चलता रहा मुझे लगता है तुम दुनिया के सबसे खतरनाक डेडपूल बन जाओगे। अरे थैंक यू डिटेक्टिव चाचा। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं बन चुका एक डेडपूल पुलिस वाला जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अभी तक हमने दो आइसक्रीम कोन यहाँ पर खा लिए, अभी हम जाएंगे अपना तीसरा आइसक्रीम कोन ढूंढने। देखते हैं उसके लिए हमें कौन सा चैलेंज करना पड़ेगा। तो जब तक गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी आप देख सकते हो ये लावा भी मेरा कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने इतना खतरनाक लावा वाला चैलेंज जो कंप्लीट किया है, ये लावा मेरा कुछ नहीं कर सकता। पर गाइसर हमें जल्दी से जल्दी वो आइसक्रीम कोन चाहिए ताकि हम डेडपूल की फैमिली ज्वाइन कर सके। तो चलो फटाफट से चलते हैं, डेडपूल फैमिली ज्वाइन करते हैं। डेडपूल शेरिफ, अब टाइम आ चुका है तुम्हें एक और कोन देने का। क्या बिना किसी चैलेंज के? थैंक यू। अरे रुको रुको, चैलेंज तो बताने दो। अच्छा चैलेंज भी है क्या? तुम बन चुके एक डेडपूल पुलिस वाले। और पुलिस वालों का काम क्या होता है? बहुत सारे पैसे कमाना। अरे वो वाला नहीं, क्राइम रोकना। तुम्हें जाके लॉस सैंटोस में क्राइम रोकने पड़ेंगे। तुम्हें टोटल 3 क्राइम रोकने। अगर तुमने तीनों क्राइम को सक्सेसफुली रोक लिया तो मैं ये कोन तुम्हें दे दूंगा। क्या सही में? हाँ हाँ सही में। अब जाओ और क्राइम रोको। ओके कैसर, अभी आप देख सकते हो हम एक डेडपूल पुलिस वाले तो बन ही चुके, पर गाइजर अब हमें क्राइम भी रोकना है क्योंकि गाइजर 3 क्राइम रोकने पर मुझे मिलेगा वो खतरनाक डेडपूल पावर आइसक्रीम कोन। फटाफट से बाइक पर हम बैठ चुके अपनी हायाबुसा में और हम जाएंगे क्राइम रोकने। लेट्स गो। कहां पर क्राइम हो रहा है? ओ अंकल आप क्राइम तो नहीं कर रहे? अरे तो आंटी है, सॉरी बाय बाय। फटाफट से क्राइम ढूंढते हैं। तो गाइजर अभी मुझे क्राइम रिपोर्ट हो चुका है, वो देखो मेरे मैप में भी आ रहा है। मुझे जाना है उसके पास और उनके पीछे पुलिस की गाड़ियां भी लगी हुई है। पर गाइसर मेरी बाइक है बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट और मैं उसे जल्दी पकड़ लूंगा। चलो फटाफट से चलते हैं, अपना सबसे पहला क्राइम हम रोक के रहेंगे। एक गाड़ी यहाँ पर चोरी हो चुकी है, कुछ लोगों ने चोरी कर ली है। इनका पहले टायर फोड़ देते हैं ताकि ये लोग आगे ना जा पाए। ये लोग तो मुझे गोलियां मारने लग गए, मुझे यहाँ पर गाड़ी चलाते चलाते इनको मारना पड़ेगा वरना ये मुझे ही मार देंगे। अबे तुम्हारी बात थोड़ा सुनने वाले हैं वो, तुम्हारी ऐसी की जैसी। सबसे पहले ड्राइवर को मारता हूँ, अब इसको भी मारेंगे। और ये क्या, मैंने यहाँ पर सबको मार दिया है। अरे वाह, डेडपूल ने सबको बचा लिया। हाँ मैंने इसको बचा लिया है। और अब इस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और इनके ओनर को एक गाड़ी दे देते हैं। चलो फटाफट से गाड़ी इसके ओनर को वापस से दे के आते हैं जहाँ से चोरी हुई थी। वो थोड़ी दिक्कत हो चुकी है कि इसके टायर यहाँ पर ब्लास्ट हो चुके हैं और विंडोज भी ब्लास्ट हो चुके हैं, पर कोई बात नहीं, गाड़ी तो मिल गई। चलो फटाफट से लेके चलते हैं उस ओनर के पास। तो गाइस अभी आप देख सकते हो इस फटी हुई टायर वाली गाड़ी को हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं और ब्रेक नहीं लगा। अरे सॉरी अंकल। और मेरे गाड़ी से मुझे ही मार दिया, मेरे गाड़ी चुराई तूने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरी बात सुनो, मैं आपकी गाड़ी वापस लेके आया हूँ चोरों को मार के, मैं एक पुलिस वाला हूँ। अरे सॉरी सर, मुझे नहीं पता था, बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। तो गाइजर सबसे पहला क्राइम हमने यहाँ पर होने से रोक दिया है, गाड़ी इनको वापस से लाकर दे दिए। अब ढूंढते हैं दूसरा क्राइम कहाँ पर हो रहा है। आज हम लॉस सैंटोस के सारे क्राइम रोकने वाले। मेरी बाइक इतनी दूर पड़ी है। अरे अंकल तुम
मिनट गाड़ी देना, मुझे अपनी बाइक लेकर आनी है। चलो फटाफट से चलते हैं, अपनी बाइक लेकर आते हैं। ये क्या, ये आंटी तो उधर रह गई। अरे आंटी उतरो, और ये आंटी को हमने यहाँ पर उतार दिया है। फटाफट से अपनी बाइक के पास चलते हैं। तो गाइजर अगले क्राइम के लिए हम लोग यहाँ पर छत पर चढ़ चुके हैं, क्योंकि गाइजर अभी आप देख सकते हो यहाँ पर वो खतरनाक सा क्राइम चल रहा है, और इन्होंने एक नॉर्मल से आदमी को अपना हॉस्टेज बना दिया है, और इन्होंने तो मुझे देख भी लिया। अबे मुझे कैसे देखा इन्होंने? और ये क्या, उस हॉस्टेज को, और आप देख सकते हो वो हॉस्टेज वहीं पर है। अरे रुक जा, भाग मत, मर जाएगा। अरे गाइजर मुझे इन सबको जल्दी से मारना पड़ेगा। ये ले, तू भी ले। अबे कहाँ चढ़ रहा है, रुक जाओ, मुझे नीचे जाना पड़ेगा। अरे ऐसे नहीं जाना था, अरे बाइक पे जाना था, बच गया, मेरे पास पैराशूट है। अरे मैं डेडपूल हूं तो क्या हुआ, मुझे अगर मैं गिरता हूं तो मुझे भी लगती है, मुझे इनको जल्दी से मारना पड़ेगा। ये ले, कहां रहा है मैं, जो भी यहां पर आने वाला है मैं उसको मारने वाला हूं। इसको ही मार दिया, इस बिल्डिंग के ऊपर भी दो लोग हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये ले, इसको भी मैंने यहां पर उड़ा दिया है। एक और बचा है, मुझे लगता है बिल्डिंग के ऊपर जाकर उसको मारना पड़ेगा। अरे सर आप टेंशन मत लो, डेडपूल पुलिस वाला आ चुका है आप सभी को बचाने के लिए। फटाफट से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, और ये क्यों नीचे गिर गया, तेरी ऐसी की तैसी। ये ले, इसको भी मैंने मार दिया है। अब आखिरी जना बचा है, सिडनी से मुझे मार रहा है। रुक जा, अभी इसको बताता हूं। इसको मैं गन से नहीं मारने वाला, इसको बैट से मारूंगा। तेरी ऐसी की तैसी, ये भी नीचे गिर गया, मुझे नीचे जाना पड़ेगा। आ रहा हूं मैं तुझे मारने। ये ले, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लॉस सैंटोस के वासियों को परेशान करते हो। ये लो, इसको भी मैंने यहां पर मार दिया है। चलो फटाफट से उन अंकल से बात कर लेते हैं। अरे अंकल आप क्यों हाथ ऊपर के खड़े हो, मैंने यहां पर सबको मार दिया, आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल सेफ हो। अरे बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अंकल कोई बात नहीं। तो गाइजर यहाँ पर अपना दूसरा क्राइम भी मैंने रोक दिया है, और मेरी बाइक फिर से बिल्डिंग के ऊपर रह गई। अब मुझे बिल्डिंग के ऊपर पूरा चढ़ कर जाना पड़ेगा। कहाँ पर है मेरी बाइक, ये बाइक को मैं पता नहीं कहाँ कहाँ भूल जाता हूँ, वो नहीं मेरी बाइक। चलो फटाफट से इस बाइक को लेते हैं, और अपना आखिरी क्राइम को भी कंप्लीट करते हैं। मेरा सिर्फ एक ही क्राइम बाकी है, उसको कंप्लीट करने के बाद हमें वो खतरनाक सी डेडपूल आइसक्रीम मिलने वाली है। और गाइजर आपका अपना डेडपूल पुलिस वाला आ चुका है। बम कौन फेंक रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। इस बार ये क्राइम सही में बहुत ही बड़ा है, ये तो बम लेके आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक गोलियां चल रही है, और मेरी गाड़ी का यहाँ पर टायर भी पंचर हो गया, मेरी बाइक ने मेरा साथ छोड़ दिया। पर गाइजर हम इन लोगों को फिर भी नहीं छोड़ने वाले, यहाँ पर पुलिस वाले भी आ चुके हैं सारे के सारे हमारी मदद करने। पहले इसको मारते हैं। ये क्या, इतनी बड़ी बड़ी मिनी गन लेकर आ चुके हैं। ये ले, इसको भी मार दिया, इसको भी मारते हैं। इनमें से किसी को भी मैं छोड़ने नहीं वाला, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये ले, इसको भी मार दिया, रुक जाओ, ये सब मिनी गन चला रहे तो हम भी क्यों पीछे रहे, हम भी इस खतरनाक मिनी गन से सबको खत्म कर देंगे। मेरे पीछे अगर मुझे मार रहे हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, आज मैं सबको मार दूंगा। ये लो, ये पुलिस वाले अंकल यहाँ पर आ चुके हैं। ये कौन है, अच्छा तो फायर ब्रिगेड है, कहाँ पर हो तुम सबके साथ। ये लो, मेरे पीछे से कौन मार रहा है, अबे चाचा मुझे क्यों मार रहे हो, मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। ये लो, यहाँ पर सिर्फ आखिरी जना बचा है, और आपको तो पता है आखिरी जने को हम कैसे मारते हैं। मेरे ऊपर मिनी गन मारेगा, आजा मारेगा। ये ले, इसको हम मारेंगे बैट से। ये ले, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मर जा। और ये हमारा आखिरी क्राइम भी बस कंप्लीट होने वाला है। अबे मर ही नहीं रहा, मर गया। और गाइजर फाइनली हमने अपना तीसरा क्राइम भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। मुझे पता था फ्रैंकलिन तुम एक अच्छे डेडपूल बनोगे, तुमने लॉस सैंटोस वाले की रक्षा करी। ये लो तुम्हारी डेडपूल आइसक्रीम। तो गाइजर अभी फाइनली मुझे एक और आइसक्रीम कोन मिल चुका है डेडपूल का, फटाफट से इसको खा लेते हैं। और गाइजर अभी आप देख सकते हो मैं बन चुका हूँ एक और खतरनाक सा डेडपूल। ये वाला डेडपूल सही में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये डेडपूल उड़ भी सकता है। वो बहुत ही ज्यादा मजा रहा है। तो गाइजर जब हमने स्टार्ट किया था तब एक नंगे डेडपूल थे, हमारे पास कोई भी पावर नहीं थी, पर अब देखो मैं कितना ज्यादा बढ़िया डेडपूल यहाँ पर बन चुका हूँ। पर गाइजर अभी भी ये दुनिया का सबसे खतरनाक डेडपूल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर रुक नहीं सकते, हमें दुनिया का सबसे खतरनाक डेडपूल कैसे भी करके बनना पड़ेगा। उससे पहले हम रुकने नहीं वाले, और मेरी पावर्स तो देखो कितनी खतरनाक हो चुकी है, मैं किसी को भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। पर गाइजर हम डेडपूल हैं, ऐसे कैसे काम नहीं करते। अभी फटाफट से चलते हैं और भी आइसक्रीम कोन खाते हैं, ताकि हम अपग्रेड हो सके और भी खतरनाक डेडपूल्स में। लेट्स गो। बच्चे तुम्हारा स्वागत है आखिरी चैलेंज पर, क्या तुम तैयार हो इस आखिरी चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए? क्या आखिरी? पर अभी तक तो सिर्फ मैंने तीन ही कोन खाए, और ये कोन खा लिए तो चार हो जाएंगे, फिर पांचवा कहां मिलेगा? बच्चे मैंने लॉस सैंटोस में बहुत ढूंढा, आइसक्रीम कोन खत्म हो चुके हैं, कोई भी डेड
डेडपूल को नहीं बचा। क्या? अरे मैं अपग्रेड कैसे होऊंगा? बच्चे वो सब बाद में देखेंगे, अभी पहले ये वाला चैलेंज कर लेते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, बताओ क्या करना है। तो यहाँ पर तुम्हारी खतरनाक सी बाइक खड़ी है, जिस पर तुम्हें इस पूरे के पूरे चैलेंज को कम्प्लीट करना पड़ेगा। बीच में है बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, सारे ऑब्स्टेकल से बचते बचाते जाना है फिनिशिंग लाइन पर फिनिशिंग लाइन है बहुत ही ज्यादा दूर, क्योंकि इस कोन से तुम बनने वाले हो एक खतरनाक से डेडपूल। तो जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और जाओ फिनिशिंग लाइन पर। तो कैसर अभी हम बिल्कुल तैयार है अपने फाइनल चैलेंज को करने के लिए, जिसमें हमें एक कोन मिलने वाला है। ये चौथा कोन हमें मिल जाएगा इस चैलेंज को करने के बाद। तो फुल स्पीड में चलते हैं अपनी बाइक को भगाते भगाते। ये क्या गया? अरे एकदम से कहां से आ गया? अरे फुटबॉल पे गिर गया मैं। अच्छा वो तो मैं गिरा नहीं, पर कैसर हमें गिरना बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारा का सारा चैलेंज कैसे भी करके खत्म करना है। इस लकड़ी से मैं यहां से बच चुका हूं। बच गया। मुझे लगा था लकड़ी मुझे मार देगी, पर अभी मैं बच चुका हूं। इन सब चीजों से भी बचते बचाते जाएंगे बिल्कुल आगे और इस पूरे चैलेंज को हम फिनिश करने वाले हैं। तो कैसर ये फाइनल मौका होने वाला है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कैसर ये आखिरी चैलेंज है। चलो फटाफट से यहां से चल लेते हैं। और अभी तक आपने गुड लक डेडपूल कमेंट नहीं किया तो वो भी कर देना। अभी आप देख सकते हैं बाइक कितनी ज्यादा बढ़िया है, व्हीली करते हुए हम जाएंगे। भाई ये क्या था? ये फुटबॉल तो बहुत ही खतरनाक है, आग वाली फुटबॉल, बहुत ही पावरफुल लग रही है। अभी यहां से खुदा लेते हैं और सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, हमें इनसे बचते बचाते जाना पड़ेगा। इस आग के ऊपर से हम जाएंगे फिनिशिंग लाइन के बहुत ही ज्यादा क्लोज, हम पहुंचते जा रहे हैं। इसके ऊपर से खुदाते हैं अपनी गाइक को और ये कहां पे लैंड कर दिया। और गाइस अभी आप देख सकते हो धीरे धीरे फिनिशिंग लाइन के बहुत ही क्लोज पहुंचते जा रहे हैं। और ये क्या हो गया? रुक जाओ, वापस जाऊंगा मैं, मुझे इसके बीच में कैसे भी करके निकलना है। और ये निकल गया, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। और गाइस अभी आप देख सकते हो ये UFO आ चुका है, उसके बाद सीधा हमारी फिनिशिंग लाइन है। पर अगर इससे मैं टकराया तो बहुत दूर जाकर गिरूंगा, तो हमें इसे बिल्कुल भी टकराना नहीं है। और बच गया, यहां पर फटाफट से निकल जाते हैं। और गाइस आप देख सकते हो फिनिशिंग लाइन को हमने क्रॉस करके ये चैलेंज भी कंप्लीट कर दिया। आओ डेडपूल, बहुत बढ़िया, आखिरी कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और कैसर फाइनली हम अपना आखिरी आइसक्रीम कोन यहाँ पर खाने वाले, जिससे हम अपग्रेड होने वाले एक और खतरनाक से डेडपूल में। लेट्स गो, इसको खा लेते हैं। नम 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 नम। और कैसर हम यहाँ देख सकते हो इस आइसक्रीम कोन को खाने के बाद मैं कितना ज्यादा बढ़िया डेडपूल यहाँ पर बन चुका हूँ। इसकी स्वॉर्ड तो देखो, और ये क्या, इसके साथ मुझे बाइक भी मिली है। हाँ बच्चे, इस आइसक्रीम कोन के साथ तुम्हें बाइक भी मिलेगी। और ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो कैसर अभी आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा बढ़िया डेडपूल यहाँ पर बन चुका हूँ चार आइसक्रीम कोन खाने के बाद। पर कैसर हमें वैसे तो पांच खाने थे, पर यार पांचवा कोन हमें मिल ही नहीं रहा, लॉस सेंटोस में खत्म हो चुका है। पर कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया जरूर आ चुका है। कोन नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास खुद का कोन मेकर तो जरूर है, मेरा मतलब है ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड। तो कैसर हम अपने ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड पर जाकर बना सकते हैं खतरनाक सा डेडपूल या फिर एक डेडपूल कोन, दोनों में से कुछ भी एक चीज बना के हम बन सकते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक डेडपूल। तो चलो यार फटाफट से चलते मेरे घर पर, और गाइसर ड्राइंग मैजिक बोर्ड का यूज करके हम लोग जाने वाले डेडपूल फैमिली में, बहुत ज्यादा मजा आएगा, चलो। और गाइसर अभी मैं अपने घर पर आ चुका हूँ, और आप देख सकते हो मेरा घर हमेशा सजा रहता है डेडपूल से, हर जगह डेडपूल डेडपूल डेडपूल, क्योंकि मैं इतने टाइम से डेडपूल फैमिली माना चाहता हूँ। हमारे किचन में भी डेडपूल, हमारे सोफा पर भी डेडपूल, पर गाइसर यहाँ पर कोई डेडपूल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड जो कि हमारी मदद करने वाला है दुनिया का सबसे खतरनाक डेडपूल बनने में। तो मैं सोच रहा हूँ दुनिया का सबसे खतरनाक डेडपूल ही बनाऊं या फिर आइसक्रीम कोन, समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, आइसक्रीम कोन बनाते हैं, उससे थोड़ा सस्पेंस भी बढ़ेगा। तो फटाफट से बनाते हैं उस खतरनाक से आइसक्रीम कोन को, फिर देखते हैं हम क्या बनने वाले हैं। तो कैसर अभी आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं अपने ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड पर, और कैसर इस मैजिक बोर्ड पर हमें बनाना है वो खतरनाक सा कोन, वो आइसक्रीम कोन जो कि हमारी मदद करेगा अपग्रेड होने में खतरनाक से डेडपूल में। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोन बनाने वाले नीचे से लेकर जाएंगे, इसको लेकर जाएंगे यहाँ पर, डन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कोन यहाँ पर हमने नीचे का बना दिया, अब इसके अंदर की आइसक्रीम भी हमें बनानी पड़ेगी। तो फटाफट से शुरू
शुरू करते हैं। यहाँ से लेकर जाएंगे इसको, हमें पेंट को ब्रश को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। इसको यहाँ पर लेकर जाते हैं ऐसे ताकि ये आइसक्रीम भी हो जाए। बहुत ही ज्यादा बढ़िया, यहाँ पर ये डन और ये डन। तो गाइस ये आइसक्रीम लगने वाली है सही में बहुत ही ज्यादा बढ़िया जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। अब इसके ऊपर एक बढ़िया सा कोन आने वाला है, तो फटाफट से आइसक्रीम का स्कूप यहाँ पर हम लगा देंगे। ओके स्कूप यहाँ पर रख दिया है और यहाँ पर एक स्ट्रॉबेरी तो बनती है, बिना स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर अपन इसकी स्ट्रॉबेरी भी बना देते हैं और यहाँ पर दो तीन चेरी और डाल देंगे जो कि बिल्कुल सेम उसमें डेडपूल वाली आइसक्रीम में थी। और यहाँ पे थोड़े अलग अलग फ्लेवर्स भी डल जाएंगे ताकि ये लगे और भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी। फटाफट से इसके अंदर जितने फ्लेवर थे वो सबका सब ऐड कर देते हैं, उनके कलर वलर अपन कर देंगे बाद में, पहले इनको कर देते हैं ऐड। और गाइसर ये अभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब गाइसर हमें मेन जो उसको नीचे कोन है उसको कंप्लीट करना है। तो गाइसर अभी हम यहाँ पर इसके कोन पर लिखने वाले हैं POWER जो कि उस पर लिखा हुआ था पावर, क्योंकि डेडपूल के पावर वाला कौन है। अब गाइस हमें डेडपूल के लोगो भी बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे एक सर्कल, उसके अंदर लगाएंगे एक और छोटा सर्कल, उसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ और ये डन। और ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और गाइस अब इसमें यहाँ पर हमें बीच में एक लाइन खींच देनी है और इरेजर लेके यहाँ पर इरेज कर देने वाला है। सेम टू सेम डेडपूल का लोगो बनाना है तो ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर बनेगी डेडपूल की बढ़िया आंखें, तो यहाँ पर थोड़ा ज़ूम करके बनाने वाले आंखें यहाँ पर लेके जाते हैं टू डन। तो गाइस हमने यहाँ पर डेडपूल का लोगो यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब बारी इसके अंदर कलर करने की, फटाफट से लेंगे सबसे पहले रेड कलर और इधर पूरा का पूरा रेड करने वाले हम ताकि लगे ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया। इसके अंदर भी रेड कर देंगे, इसमें थोड़ा हल्का रेड करते हैं। इधर हम करेंगे थोड़ा डार्क रेड और इसके अंदर बिल्कुल एकदम लाइट रेड होने वाला है। उसके बाद ब्लैक कलर लेके इसके यहाँ पर कर देंगे। डेडपूल का लोगो यहाँ पर बन चुका है और इसके पावर वाले साइन को अपन थोड़ा व्हाइट कलर करने वाले। उसके बाद बारी आती है स्ट्रॉबेरी की, तो फटाफट स्ट्रॉबेरी चेरी इन जगह कलर कर देंगे रेड और उसके बाद हम लेंगे ब्राउन कलर जो कि होने वाला है चॉकलेटी कलर। अब फटाफट से चॉकलेट कलर यहाँ पर हमने लगा दिया है। उसके बाद मैरून कलर लेके भी इधर इधर यहाँ पर हमने कर दिया। उसके बाद हम ग्रे कलर थोड़ा इधर कर देंगे ताकि वनीला आइसक्रीम भी हमारी बन जाए। और कौन सी आइसक्रीम होती है, और यहाँ पर थोड़ा पिंक कलर भी ऐड कर देते, पिंक कलर की भी होती होगी, येलो कलर भी ऐड कर देंगे और यहाँ पर कर देते रेड कलर। और कई आप देख सकते तो डेडपूल आइसक्रीम आ रही है बिल्कुल तैयार है। फटाफट से इसको रियल लाइफ में हम लाने वाले हैं। उससे पहले ये पेंटिंग बनाई है दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने। और गाइस अभी आप देख सकते हो हमारी ड्राइंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और हमारा मैजिक कोन यहाँ पर बन चुका है डेडपूल की पावर वाला, बिल्कुल सेम टू सेम मैंने बना दिया है। फटाफट से इसको खाते हैं और देखते हैं हम कैसा होने वाले हैं। चलो इसको खाते हैं। नॉम 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 नॉम। आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा बढ़िया हो चुका हूँ। मैं ऐसे आवाज में क्यों बात कर रहा हूँ? तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। अपनी पावर्स मुझे बाहर जाकर टेस्ट करनी चाहिए, वरना फालतू मेरा घर खराब हो जाएगा। चलो बाहर जाकर टेस्ट करते हैं। और गाइस अभी आप देख सकते हो हमारी पावर्स हो चुकी है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। अभी आपको पूरा स्काई टच करके दिखाता हूँ। नीचे जाएंगे पुलिस में, बूम, हमारी पावर्स तो सही में बहुत ही खतरनाक हो चुकी है और हम तो उससे ज्यादा खतरनाक हो चुके। तो गाइस फाइनली हम दुनिया के सबसे खतरनाक डेडपूल बन चुके हैं। इसका मतलब हमारा टाइम आ चुका है डेडपूल फैमिली में जाने का। ये लो, मैं आ गया डेडपूल फैमिली का हिस्सा बनने। अरे ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। मैंने बोला था मैं दुनिया का सबसे खतरनाक डेडपूल बन के दिखाऊंगा और मैंने वो कर दिखाया। अब मेरे पास आ चुकी है दुनिया की सारी पावर्स। मैं मीटियोराइट्स गिरवा सकता हूँ स्काई में से। ये लो एक और मीटियोराइट। आपको मीटियोराइट खाना है क्या? नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। आपके बच्चे ने इस गाड़ी को फेंका था ना, अभी रुको इस गाड़ी को तो यहाँ पर फेंकूंगा और इसके ऊपर मीटियोराइट गिराएंगे। ये ले मीटियोराइट खा। अरे तुम तो बहुत सारा पावरफुल हो चुके हो। तो इसका मतलब मैं डेडपूल फैमिली में तो हूँ ना? चलो ठीक है अब डेडपूल फैमिली में तो आ गया, पर अब मुझे डेडपूल फैमिली का बॉस बनना है। क्या डेडपूल फैमिली का बॉस तो मैं हूँ। तू है? अच्छा तो फिर ये ले। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमने इसको क्या बना दिया। और तुमने ये क्या कर दिया, मुझे कुत्ता बना दिया। मैं इधर का बॉस था। और किसी को दिक्कत है क्या? इस गाड़ी को मैं पर शार्क बना सकता हूँ, डॉल्फिन बना सकता हूँ, कुछ भी जो भी चाहे बना सकता हूँ। ये कब से कुछ बोला नहीं है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे पानी के अंदर। चल लेकर यहाँ से पहले इसको हम बनाएंगे एक पत्थर। तुम ये क्या कर रहे हो, हमारे बच्चों को छोड़ दो।
अरे ऐसे कैसे छोड़ दो, अब इसको हम बानी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो कैसर अभी मैंने पूरे डेडपूल फैमिली को बंदर, कछुआ, बिल्ली सबका सब बना दिया ताकि हम इस डेडपूल फैमिली का हेड बन जाए। अबे रुक जा, ए बंदर कहां जा रहा है, ये ले तू बन जा कुत्ता, अब तू बन जा मुर्गा। ये सही में बहुत ही खतरनाक है, हम तो दुनिया के सबसे खतरनाक डेडपूल यहां पर बन चुके हैं। तो कैसर आज की वीडियो से बताई, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर देना। आखिरकार हमने डेडपूल फैमिली ज्वाइन कर ली और अब मैं डेडपूल फैमिली का बॉस भी बन चुका हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन पे वहां पे जाके चैनल फॉलो करना। और गाइस सर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।